हुंकार भर्ती शौर्य गाथाओं से चर्चित राजस्थान प्रदेश के उदयपुर ज़िले की पंचायत समिति झाड़ौल से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ग्राम पंचायत थोबावाड़ा। थोबावाड़ा के ग्राम उपरेटा में ग्रामीणों के सामने पानी व मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था करना एक बहुत बड़ा दुविधापूर्ण कार्य हुआ करता था। गर्मी के समय पानी सूख जाने से मवेशियों वह पानी के व्यवस्था करना काफ़ी कठिन हुआ करता था। इन सभी समस्याओं के निराकरण हेतु महात्मा गांधी नरेगा कन्वर्जेंस योजना के अंतर्गत मॉडल तालाब विकास कार्य महादेव मंदिर के पास व पंचफल के अंतर्गत एनीकट निर्माण कार्य स्वीकृत करवाकर किया गया। इन कार्यों के अंतर्गत तालाब का सौंदर्यकरण किया गया, जिसमें पिचिंग कार्य, तालाब गहरीकरण, साइड वॉल निर्माण एवं घाट निर्माण कार्य करवाया गया है। इसके साथ ही पंचफल योजना में एनीकट निर्माण, वृक्षारोपण, ट्रेंच खुदाई आदि सराहनीय कार्य करवाए गए हैं। इस कार्य के अंतर्गत ग्रामीणों को रोजगार तो मिला ही है, अब तालाब में पानी का रिसाव भी बंद हो गया है। साथ ही पानी अच्छी मात्रा में एकत्रित होने से आसपास की कुओं व हेडपम्प आदि का जलस्तर भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। इस पानी का उपयोग ग्रामीण किसान अपनी सिंचाई हेतु उपयोग में लेने लगे हैं। अब यहाँ का वातावरण काफ़ी खुशनुमा व हरा भरा दिखाई देने लगा है। मवेशियों के लिए चारे व लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था काफ़ी सुविधापूर्ण हो गई है। इस महात्मा गांधी नरेगा योजना ने उपरेटा वासियों के जीवन में एक अच्छा बदलाव ला दिया है। महात्मा गांधी नरेगा योजना से उपरेटा गाँव का हर एक व्यक्ति लाभान्वित और काफ़ी खुश नज़र आने लगा है। मेरा भाई उपरेटा तालाब का काम चालू हो गया। नरेगा नरेगा आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? बार काम करी है तालाब ये सीढ़िया ये पगडंडी उतरवा के लिए हापड़ना के लिए खेती करना चनन करा और कोई में, हाँ कोई में पानी बढ़ाए नहीं पगडंडी रास्ता अच्छा फायदा होगा और होगा। राज गांव उपरेटा पंचायत उपरेटा पहले कुछ नहीं था, यहाँ पे रास्ता था, गिलेड़ी थी, अब तो बड़ा बना है अभी। ये तो अभी नरेगा में चलता। और अभी क्या काम हो रहा है? अभी तो ये सीढ़ी बन रही है। फायदा तो सारे लोग पहले दुखी थे, अभी तो सब फायदा ही फायदा। हाँ
मेरा नाम शंकर लाल है, पूर्व सरपंच थोबाड़ा, पूर्व सरपंच थोबाड़ा और मेरे मिसेज जो उपेटा सरपंच है वर्तमान में। जो ये तालाब पहले एक खड्डे टाइप था, उसके बाद हमने यहाँ से प्रस्ताव भेज के सेंक्शन करवाई, जो उपेटा महादेव जी के मॉडल तालाब से सेंक्शन हुई है। इस पे नीचे जो पानी का रिसाव होता था, पहले थोड़ा बहुत पानी रहता था, वो रिसाव होता था, उस रिसाव को रोकने के लिए पूरी इस पाल के नीचे जो काम करवाया वो पक्की दीवार बनवाई, जो अभी पानी के नीचे पानी में डूबी हुई है। उसके बाद हमने जो ये इस पे मिट्टी डाल के इसका लेवल ऊपर उठा के फिर खुरंजा करवाया, नीचे सोलिंग करवाया। सोलिंग करवाने के बाद इस पाल को ऊपर उठाने के लिए दोनों साइड जो चार दीवारी टाइप ये चुनाई करवाई, पक्की चुनाई करवाई। पक्की चुनाई करवाने से ये हुआ कि ये मिट्टी बिखरे नहीं, फिर कभी भी ये इस साल नहीं भर पाया, लेकिन अगले साल या साल भर में अगले बारिश में भर जाएगी। भरने के बाद इसका ओवरफ्लो उधर दक्षिण दिशा में कर रखा है, जो इसका स्तर वो एक फीट नीचे रहेगा। इससे लोगों को ये फायदा हुआ है अभी कि अभी तो पानी मिल रहा है, लेकिन गर्मी के टाइम पानी नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ मवेशी भी पिएंगे, लोगों के स्नान के लिए भी है, और गांव वालों की मतलब ये सुझाव है कि इस साल इसको कम पानी होने के कारण सिंचाई में काम में नहीं लिया जाएगा। और ये इतना काम करवाने के बाद लोग संतुष्ट, और संतुष्ट का ये तात्पर्य है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पूरा गांव को इस पानी से लाभ होगा। और हम सरकार से फिर डिमांड करेंगे कि इसको जो एक उपेटा इंडिकेटर है उसका भी कार्य करवाया, उस और इस मॉडल तालाब को दोनों को कंबाइन किया जाए, जोड़ दिया जाए, जिससे उधर पानी की आवक ज़्यादा है उस वो पानी इसमें डाइवर्ट हो जाए, जिससे ये भरा रहे। भरने के बाद हम चाहते हैं कि यहाँ मतलब कम से कम 100 हेक्टेयर जमीन है जो सिंचाई के काम में ये पानी मिला आ सके। ठीक है।
उबरेटा उबरेटा दिनेश पहले नाला था इन्हीं का बनवाया था नरेगा में क्या क्या ऊपर काम क्या क्या हुआ टेंस खुदे थे सिकड़म लगाए थे फायदा तो पानी रहा ना फायदा है पानी का फायदा है परसों के लिए सिकड़म भी नाले का पानी रोकने का फायदा है टेंस पौधे के लिए नाला था इनकट बनाया था टेंशन होया पानी बता खेती को खेती के लिए काफी उपयोगी काफी उपयोगी है ना उना उना से ऐसे किस में मिला मेरे गए ठीक नाम शंकर लाल है मैं उपरेटा का रहने वाला हूँ जो ये पंचफल योजना में जो इनिकट बनाया है वो नरेगा योजना से है और इसमें पहले यहाँ नाला जाता था नाला को नाला पे ये इनिकट बनवाया इनिकट बनाने के बाद इसमें ये चेक डैम और ये काम करवाया पेड़ पौधे लगवाए इससे लोगों को ये फायदा होता है कि मवेशी पानी पीने का फायदा लोगों के कृषि संबंधी जो सिंचाई के काम में पानी आवे और अभी जो सरकार की इस योजना में या इस पंचफल योजना में जो उपेटा के नाम से सेंक्शन है उसमें एक ट्यूबवेल का भी प्रावधान है जिससे जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं उनको पानी यदि निकट में कम हो जाता है तो उसके बाद उससे पिलाई करके उस फलदार पौधे जिससे लोगों को रोजगार भी मिल सके ये सरकार की योजना और लोगों को बहुत ही अच्छा फायदा हो रहा है इस नरेगा योजना से।